एंटरटेनमेंट के मामले में हमारे देश में दो चीजों का जुनून आपको देखने को मिलेगा, एक तो सिंगिंग, दूसरा डांस। डांस आदमी हर मौके पे करता है, जैसे सिद्धू जी ने जब कुर्सी छोड़ी थी कितना नाची थी आप उस हिसाब से। आप शादियों में देख लो, शेर की तरह रहने वाला ताऊ जो बिल्कुल लकड़ के रहता है, जैसे भाई भतीजे की शादी होती है ना, ऐसे नागिन बन के लेटर आता है नीचे। बच्चे उस दिन देखते हैं कि ताऊ इतना फ्रैंक है हमारा। और जिनके तो चार पैक से ज्यादा लग जाते हैं वो तो फिर डीजे बंद होने के बाद जनरेटर पे भी नाचते रहते हैं, उनको पता नहीं। आप कभी डांसर लोग देखना, जो प्रोफेशनल डांसर्स होते हैं, ये कभी होटल के बाथरूम में जाए ना, देखा कि कोई नहीं, अकेले ही, तो मुंह धो के खुद ही करते रहते हैं। अपना अपना पैशन है। और डांस के इसी जुनून और पैशन के ऊपर एक फिल्म आ रही है, स्ट्रीट डांसर। जोरदार तालियां हो जाए। और आज इस फिल्म की स्टार कास्ट और डायरेक्टर यहां पे आने वाले हैं, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच एक एक करके मैं उनको इन्वाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले प्लीज वेलकम कोरियोग्राफर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड डांस गुरु मिस्टर रेमो डिसूजा। और प्लीज वेलकम कोरियोग्राफर, एक्टर, डायरेक्टर, डांस के महागुरु प्रभु देवा सर। जोरदार तालियां। रेमो सर, प्रभु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। प्रभु सर, यू आर लुकिंग सो यंग ब्रो। कपिल, यू आर लुकिंग वेरी ओल्ड आई फील। ओहो, बिकॉज आई जस्ट बिकम फादर। हे, हैव अ बेबी। या, यू गॉट न्यू बियर्ड। कांग्रेचुलेशन। ओह थैंक्स। आई पुट फॉर ग्रोथ। फॉर ग्रोथ? ग्रोथ लिटिल बिट। ओनली बियर्ड? ओनली बियर्ड एंड लिटिल हाइट आई नीड, बट दैट्स ओके। ही इज लुकिंग सो यंग। एंड प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड न्यू स्टार मिस्टर वरुण धवन। Hey, Kapil, who is this fellow? Oh God, who's this fellow? Public people, who is this man? Who? I am Prabhu Deva. Hey. एक बार फिर से जोरदार तालियां रेमो सर, वरुण धवन और असली प्रभु देवा जी के लिए। Wow. तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु सर। अभी आप ऐसे मतलब फ्रेश आए हैं कि दबंग के टाइम से गए नहीं थे? उस वक्त जब आए थे क्या वो नाचे थे ज्यादा प्रभु सर? हाँ। अरे नहीं नहीं सर, बट दिस टाइम ही हैज टू डांस, क्योंकि इस वक्त प्रभु देवा डायरेक्टर की तरह नहीं, एक एक्टर की तरह आए यहाँ पे, एक सुपरस्टार की तरह। तो शुरुआत ही फिर करते हैं ना वरुण। हाँ, शुरुआत ही कर लो। आई चैलेंज यू बोथ। ओह, प्रभु सर को नचाना बहुत मुश्किल है मुझे लगता है, क्योंकि पहले जब वो सेट पे भी आते ना, तो वो पहले तो ऐसे ही आते हैं और ही कम लग दैट और हम लोग सब चार्ज, सर क्या करना है क्या करना है बताओ ना, रेमो सर बताओ बताओ, और प्रभु सर ए कूल डाउन, व्हाई यू मेकिंग मी डू सो मच, म्यूजिक ऑन ऑल ऑफ। एक्चुअली मैंने देखा बाकी एक्टर्स जो होते ना, पहले गर्म भी होते, थोड़ा सा म्यूजिक चलता ना, गर्म भी, ये चुपचाप खड़े रहते, एकदम से शुरू करते हैं। एकदम एकदम। प्रभु सर, यू नो, यू वोंट बिलीव, वी हैव हर्ड सो मच रूमर्स अबाउट यू। हमें बचपन में एक बार सुना था, लोग बोलते थे कि जो प्रभु देवा हैं उनके शरीर में हड्डियां ही नहीं है। और सीरियसली, ये पेपर में आया था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, पर इतने पर सर, वो ये आपका टैलेंट है, जो ऐसी अफवाहें तभी बनती हैं जब ऐसा कमाल का टैलेंट आता है। जोरदार तालियां हमारे सब मेहमानों के लिए। आज मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम लोग लेट नाइट थोड़ा शूट कर रहे हैं श्रद्धा कपूर की वजह से। श्रद्धा लेट नहीं है, मतलब वो फ्लाइट में है और अभी लैंड करेगी, जैसे लैंड करेगी वो यहाँ पे आएंगी। लेकिन आपने एक बात नोटिस की वरुण, कभी भी जब भी आप आते, बच्चे कितने आते हैं? बच्चों हाथ खड़ा करो, कहाँ कहाँ है बच्चे? अरे वाह वाह, क्या ये बच्चों में सुपर जबरदस्त फैन फॉलोइंग। वरुण के बारे में एक और बात हमने सुनी, वरुण हमने सुना कि आगे आने वाले जो 3 साल हैं आपके पास कोई डेट ही नहीं है, इतने बिजी हैं आप, इज इट ट्रू? मतलब या वाओ, अच्छी बात है। तो ये जो इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हॉलीडे, उसके लिए टाइम कैसे निकल आता है आपके पास? अभी न्यू ईयर पे सैंड वेंड डालकर वेकेशन, कहां पे गए थे वेकेशन पे? सर मैं स्विट्जरलैंड गया था, स्टार्ट जगह का नाम है। क्या नाम है? स्टार्ट, जी से शुरू होता है, जी एस जी सर। हाँ, तो कुल्लू मनाली वाले, हमको ऐसा आइडिया नहीं। सर एक्चुअली मैं भी बड़ा शौक हो गया था। अच्छा। क्योंकि मैं वहाँ पे गया था हॉलीडे के लिए, मेरे को लगा वहाँ पे कोई नहीं होगा जो मुझे पहचानेगा। सडनली मेरे को एक रेस्टोरेंट में विराट कोहली दिख जाता है। अच्छा, हाँ मैंने आपकी फोटो देखी थी वो। तो ऑब्वियसली वो भी चिल करने आया था, ही डिड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, ही डिजर्व्स अ ब्रेक,
कितना मेहनत करते हो, बट मैं बड़ा फैन बन गया तुम, मैं सडनली विराट मैं भी ऑब्वियसली निकल आता है ऑब्वियसली राइट. फिर मैंने बोला कि नहीं यार उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे मैंने देखा ही नहीं. अच्छा, तो मैंने ऐसे कर दिया. फिर उन्होंने मुझे देखा, बोला ओह हाय. तो फुल बट फिर बातचीत हुई. ऑब्वियसली ही इज बहुत बड़े प्रेरणा है वो सबके लिए, मेरे लिए भी, एंड आउटस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग आल्सो. अच्छा शुक्र है मैं नहीं था स्विट्जरलैंड में, मुझे देख के तो दोनों पागल हो जाते. सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज आइए आइए सर. अरे ये क्या, ऐसे क्यों चेंज क्यों? अच्छा उनका घुटना लीक हो रहा है इसलिए तो नहीं आप. Professor, would you like to have some fruit? Later, I will have. Baad mein? Baad. Whatever you want to have, we have very big budget. You just order. Okay. And then wait. मैं वरुण को एक बात कहने जाता हूँ कि वरुण आपको पता है मेरे को भी साल में 10-12 फिल्में ऑफर होती हैं. I'm sure, obviously. मैं लेकिन करता नहीं. क्यों? मैं ये सोच के नहीं करता हूँ कि पहले मैं इतनी तैयारी करके आऊँ जितनी वरुण टाइगर करते हैं. ये सुनो, ये इतना कंपटीशन बढ़ाने की क्या जरूरत थी? 6-6 पैक निकालने की क्या जरूरत है? एक पैक का होता तो मैं भी करके आ जाता. सर माँ कसम, जो आप कर रहे हो ना वो हम सब करना चाहते हैं, हम लोग कर नहीं सकते इसलिए इसमें गुजारा कर रहे हैं. थैंक यू. और ये हमारे सर्किल में भी है सर. अच्छा? जैसे हम जब सीन्स डिस्कस करते हैं स्ट्रीट डांसर पे भी, तो हमारी पूरी जो मंडली है जो आई है. हाँ. राघव हो या धर्मेश हो, पुनीत, सुशांत, सलमान, राघव को कॉमेडी बहुत पसंद है तो हम लोग. अच्छा? आपके चुटकुले देखते हैं कभी कभी. अरे ये. अच्छा? किया था, वो किया था. सीरियसली? हमें. और रेमो से हमेशा बोलते ये तो कपिल ने कर दिया, कॉपी क्यों कर रहे हो? अच्छा, क्यों कर रहा है कॉपी? तो फिर मुझे क्यों नहीं लेते? जब मेरी तरह ही करना है तो मेरे को ले लो ना सर. रेमो सर एक आपसे क्वेश्चन पूछना था, कोई ऐसी फिल्म नहीं आप बना सकते जिसमें मैं एक्टिंग करूं, डांस कोई और कर ले? मैं एक्चुअली सोच रहा हूं मैं नेक्स्ट वैसे ही कुछ बनाने की. क्या आप एक्टिंग कर रहे हो डांस के लिए? मैं किसी और. आप टाइटल लिया सर, खूब बैड डांसर. और एंट्री मेरी ऐसी होगी. और मेरी को एक्टर अर्चना जी. यस यस, बैड डांसर, वर्स्ट डांसर. ये टाइटल होना चाहिए. वर्स्ट नहीं, पर ऑन अ सीरियस नोट प्रभु सर, शी डांस लाइक, आई मीन संजय दत्त. सॉरी. आप इसमें पता नहीं कि संजू की इंसल्ट है या मेरी इंसल्ट है. एक्चुअली प्रभु सर से पूछना चाहिए कि हु इज द वर्स्ट डांसर अकॉर्डिंग टू यू एंड बेस्ट डांसर? प्रभु विल नॉट से. सर व्हाई लाइक दैट? समथिंग ओके. बेस्ट डांसर यू से हु यू फील इज? I mean, film industry. Film industry, yes. Film industry में और finance ministry वगैरह में तो कोई ऐसा. रितिक इस दूर. रितिक. अच्छा रेमो सर के बारे में आप सब जानते हैं, ये टीवी पे डांस शो भी बनाते हैं, डांस के थीम पे फिल्में भी बनाते हैं, खुद भी इतना डांस कर करके पतले हो गए हैं. सर मैं बात पूछना चाहता हूँ, आप डांस को निचोड़ रहे हैं कि डांस आपको निचोड़ रहा है? पता नहीं इतने बिजी रहते हैं, इतने फिट कैसे रहते हैं, ऊपर से हमारी भाभी देख लो. ओए हाय भाभी, छा गए आप, नजर ना लगे. तो ऐसा है भाइयों बहनों कि माहौल जो है सारा मेल ओरिएंटेड हो गया है. तो थोड़ा ऐसा एक्साइटमेंट और लाते हैं. सर आपको बुलाना है किसी को, जैसे टाजिन को बुलाने के लिए आ, 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 आ वो करते हैं. हाँ. ऐसे एक बंदी है, उसको बुलाने के लिए एक गाना गाना पड़ता है. सर कौन? क्या मैं आप उठ क्यों रहे हो सर, क्या हो गया? उसके लिए कहना पड़ता है, मैं कहूँगा हाय, आपको कहना है गर्मी. आ? गर्मी. हाँ. अच्छा इतना ही बोलना है. हाँ ओके. हाँ जी बोलो. हाय गर्मी. थैंक यू. वेलकम नोरा. How are you, Nora? You're looking very pretty, as always. Shukriya. आप भी pretty लग रहे हो, as always. सर अभी जो conversation होने वाली है सिर्फ English और Hindi में होनी चाहिए. हाँ जी. हमें देखना है. Nora, welcome to our show. शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ. वाह. मैंने नहीं पूछा. I mean, no.
May God keep you always happy. Shukriya, aap bhi. Stay happy and healthy always. मैं regards. तो हमेशा खुश हूँ. ऐसा मैं ट्वीट पे लिखता हूँ. Regards. Regards. साथ में नमस्ते वाला एमोजी. नोरा के लिए खुल के तालियां होनी चाहिए पहले तो. नोरा आइए प्लीज. वेलकम. हेलो. हेलो. वरुण. हाँ जी सर. आप ऑडियंस में चले जाओ. कहाँ पैदा होती है ये लड़कियाँ? ये बहुत सही बात पूछे. ये कहाँ से आई है इसको पूछो. नोरा एक्चुअली तुम ऐसी लड़कियाँ कहाँ पैदा होती है? हमारे जो स्कूल में पढ़ती थी हमारे कॉलेज में जब हमारा फेयरवेल हुआ ना कहती सी यू. मैं कहा जिंदगी में नहीं कभी. मतलब क्या मतलब भगवान ने क्या खूबसूरती से. बेस्ट है वो स्कूल में लड़कियों का एटीट्यूड बहुत होता था. मगर हमारी वाली को नहीं होता था. उनकी नाक बह रही थी. एटीट्यूड क्या दिखाएंगे. बट फिर भी दिखाते थे. उनको वो नहीं था. मतलब उनको एक रूलर के लिए पूछ लो तो ये लोग व्हाई शुड आई गिव माय रूलर. अरे इंग्लिश बोलती थी आपकी क्लासमेट. हाँ, हाँ, मतलब इंग्लिश हिंदी ठीक है. हमारी वाली तो इतनी लंबी लाइन क्वेश्चन उसको कुछ भी बोलते रहते हैं. इतना याद था हमारा. नोरा जेन्युइनली मैं पूछना चाहता हूँ सबके बिहाफ पे क्या खाती हैं आप ब्रेकफास्ट में? मैं क्रीम चीज एंड बेगल खाती हूँ. बैंगन? क्या? बेगल, बेगल. बेगल, बेगल. वो ब्रेड है बट सर्कुलर ब्रेड है उसमें सेंटर पे खाली है. अच्छा आपकी ब्रेड भी सर्कुलर होती है ऐसी? हमारी तो चौड़ी होती है फैली होती है. और सुनाओ नोरा क्या पूछें आपसे? आपको पता है दास दादा हमारा फोटोग्राफर. हाँ. जब आप लास्ट टाइम आई थी उससे पहले इनकी पास की नजर भी खराब थी. Really? हाँ आपके साथ एक एपिसोड किया अभी दूर से भी आदमी को देख लेते हैं. प्रभु सर इस फिल्म में मुकाबला मुकाबला गाना रिक्रिएट किया गया है. Yes. तो आपने रेमो सर से पूछा नहीं मैंने खराब किया था दोबारा क्यों किया था? I think I have told also. Hey, why you are doing? I can't compete with Prabhu Deva. I told. Yeah. इनका है है क्या बात है? और नेक्स्ट सवाल है अर्चना जी का. हाँ पूछे. कि जो डायलॉग है आपका फिल्म में ना कि मेरी लाइफ का रूल नंबर वन है कि नेवर बी नंबर टू. तो जुड़वा टू क्यों की पूछ रहे थे? वो अभी करनी पड़ी. वो मेरी मेरी वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी और डेविड धवन जो डायरेक्टर है उनके साथ काम करने की चाह थी. बट अभी कूली नंबर वन भी कर रहा हूँ. अच्छा बैक टू वन. वाओ क्या बात है. अच्छा प्रभु सर को कहीं हमने कहते हुए सुना था कि अगर ये फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होते तो ये ट्रैफिक कांस्टेबल होते. Really? क्यों सर? क्या पता नहीं अब सर बता सकते हैं. व्हाई व्हाई ट्रैफिक कांस्टेबल सर? बिकॉज़ नो आई लव ट्रैफिक कांस्टेबल. यू लाइक ट्रैफिक? यू लाइक ट्रैफिक? वाओ ट्रैफिक कांस्टेबल. अच्छा ट्रैफिक कांस्टेबल व्हाई? बिकॉज़ व्हेन वी एनीबॉडी गोस ही कैन स्टॉप एंड ही कैन टेल टू गो. नाइस. सर ये सोचा ही नहीं कभी हमने. पर एक्चुअली प्रभु सर जो आपके अंदर टैलेंट है वो तो है ही ना. अगर आप ट्रैफिक कांस्टेबल भी होते तो बड़ा मजा आता वैसे. हाँ. मैं तो बार बार उस चौक से निकलता. सीरियसली प्रभु सर खड़े होते तो कैसे करते ना. थोड़ा वेव वेव मार के रोकते ना. बट एक डांसिंग कांस्टेबल था. है इंटरनेट पे एक कुछ तो मैंने भी देखा हुआ है एक. चलो अब बात छिड़ी चुकी तो मैं बता देता हूँ. क्या? वो हमारी अर्चना जी हैं. मैं अभी कह रही थी वो प्रभु सर तो नहीं डिस्गाइज में तूने मुझे बना दिया. लेकिन अगर वो अच्छा डांस करता है तो वो मैं हो ही नहीं सकती. वो सिर्फ प्रभु सर हो सकते हैं फिर. प्रभु सर लाइन मार रही हैं आप. रेमो सर ने डांस से इतने लोगों की लाइफ बनाई है. इतना इतना टैलेंट ढूंढ के लाए हैं. अब तो हमने सर एक खबर सुनी आपके बारे में कि जब कभी आपकी गाड़ी सिग्नल पर रुकती है तो कोई मांगने वाले आते तो ऐसे करके नहीं मांगते. वो ऐसे करके मांगते हैं. ये बात सही है सर?
मतलब ऐसे मांगते नहीं है, लेकिन मेरे को कई लोग मिले हैं ऐसे जो जब भी गाड़ी में पता चलता है मैं हूँ तो वो परफॉर्म कर लेते हैं. एक बार मैं एक सिग्नल पे खड़ा हुआ था बाइक लेके, एक बंदा उसके पीछे, काफी देर से मेरे पीछे खड़ा था, शायद मैंने नोटिस नहीं किया, तो वो सिग्नल पे जैसे रुका तो वो पीछे जो बैठा था वो उतर के आया एंड वो सामने उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया. अच्छा किया था उसने, अच्छा किया था उसने. तो मैंने कांच नीचे करके मैंने उसको हाथ भी मिलाया, मैंने फोटो भी खिंचाई उसके साथ. तो मैंने बोला तू बहुत अच्छा करता है और थोड़ा मेहनत करो, जब और अच्छा हो जाएगा तो नेक्स्ट सिग्नल में मिलना. अच्छा आजकल जितने भी स्टार्स हैं सब लोग पहले स्क्रिप्ट मंगवाते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं फिल्म करनी है कि नहीं करनी है. वरुण जब आप डेविड सर की फिल्म करते हैं, अपने पापा की फिल्म, तब ऐसी डिमांड रखते हैं? नहीं मैं रखता हूँ बट वो सुनते नहीं है, वो अलग बात है. फिल्म खत्म होते होते स्क्रिप्ट मिल जाती है. अच्छा मतलब मैं वो क्या बोलेंगे मुझे कि मतलब मैं लाइक मैंने आज तक सलमान खान, गोविंदा, अनिल कपूर इनको स्क्रिप्ट नहीं दिया है, तेरे को क्यों दूंगा. सही है. पर डेविड बहुत चिल्ड आउट डायरेक्टर है. No. तुम्हारे साथ चिल्ड आउट है या नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल चिल्ड आउट नहीं है, मेरे को तो बहुत पड़ती है. पड़ती है एंड फॉर नो रीजन यार. आप लोग प्लीज बोलो उनको क्या मतलब, मुझे तो बहुत डांट पड़ती है. पर हमारे साथ तो बड़े चिल्ड आउट है, सो इजी टू वर्क विद हिम. ही इज गुड, ही इज मतलब पता नहीं, मे बी जो उनके फैमिली में नहीं है तो उनको पसंद आते हैं भांसू, पता नहीं. और अब वक्त है फिल्म स्ट्रीट डांसर में दूसरे अहम किरदार निभा रहे कलाकारों को यहाँ पे बुलाने का. ये सभी कमाल के कोरियोग्राफर्स और कमाल के एक्टर्स हैं. रेमो सर मैं इनवाइट करूँ या आप लेके आएंगे? नहीं सर मैं ये काम मैं कर देता हूँ. ओके सर मैं ले. सो प्लीज तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इंडिया के बेस्ट डांसिंग स्टार मिस्टर धर्मेश, सलमान यूसुफ खान, पुनीत पाठक, सुशांत पुजारी और राघव का. रेमो सर मैंने तो मजाक किया था, आप सच में ले आए इतने लोग, बिठाएंगे कहाँ? अरे ये हटाओ ना, कारपेट है ना. बैठ गए बैठ गए बैठ गए. हमारे सब सुपरस्टार्स के लिए जोरदार तालियां. बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ. पर इससे पहले कि हम अपने सब स्टार्स के साथ बातें करें, मैं प्रभु सर को धन्यवाद देना चाहता हूं. प्रभु सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और आज प्रभु सर को नहीं, वो इसलिए प्रभु सर को आगे जाना, इन लोगों के लिए कोई और फिल्म ढूंढने जाना है. सर लास्ट टाइम बट आज बहुत बड़ी बात है क्योंकि लास्ट टाइम जब प्रभु सर आए थे तो उन्होंने सिर्फ 5 बातें की थी, आज उन्होंने 8 बातें की है सब लोगों का. वाओ क्या बात है, कुछ नया कुछ नया. और नाचे भी नहीं वो, जाते जाते तो बनता है सर. मैंने ये सर पता किया है कि जिनको डांस आता है वो बिल्कुल नाचते नहीं है सर. क्यों ऐसा? नेचर तो मैं बोल रहा हूं, क्यों ऐसा नहीं नाचते? बुलाओ ना प्रभु सर को. प्रभु सर, प्रभु सर सबके सब आप लोग ग्रेट डांसर्स हो प्लीज सर. प्रभु सर वी विल मिस यू बट वी विल लव नोरा. श्रद्धा के लिए जोरदार तालियां. थैंक यू थैंक यू, आपने इतना सम्मान दिया. श्रद्धा हमें पता चला था कि आप दिल्ली से आ रही हैं, पर ये नहीं पता था भाग के आ रही दिल्ली से. जयपुर से इतना फास्ट आई, मैं पायलट के आगे बैठ के आई. हाँ सिर्फ आप सबके लिए. आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है. क्या विराजमान हो रही है? बैठिए श्रद्धा, बहुत स्वागत है आपका. जयपुर क्या करने गई थी सारी टीम इधर, तो अकेली उधर क्या कर रही थी? मैं शूट करी थी पागी 3 के लिए. वेरी नाइस, सो प्राउड ऑफ यू, सो हार्ड वर्किंग यू आर. श्रद्धा आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक छिछोरे के लिए, जोरदार तालियां, बहुत कमाल की फिल्म, बहुत अच्छा लग रहा है सारी टीम को यहाँ पे बैठ के देख के. एक और कहानी है एक्चुअली जो आपके शो के साथ जुड़ी हुई है, जो सुशांत ने मुझे बैक स्टेज बोला कि ये शो पे इसके पहले भी आ चुका है एक बार. सुशांत कभी सर बैकग्राउंड डांसिंग में आया था. अच्छा मतलब एक्टर्स आते तो डांस करने आते. वाओ तो ये आपकी प्रमोशन हुई कि मेरी डिमोशन हुई है? सर मेरा तो प्रमोशन हो गया सर. पर ये सब के सब कमाल के मतलब बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम भी किया, जैसे पुनीत और फिर सलमान. ये मल्टी टैलेंटेड है, जैसे राघव है, आप इनको देखते हो एंकरिंग करते हैं शो की और क्या कमाल की करते हैं, कितना नेचुरल करते हैं. वेरी नाइस, थैंक यू भाई, थैंक यू. और सुशांत, धर्मेश, ये लोग मास्टर है अपने काम के लिए. धर्मेश को तो सर बुलाते हैं एक्चुअली, सब सर बुलाते हैं एक्चुअली, सब सर बुलाते हैं. इन्हें इससे दिक्कत भी होती है
क्योंकि अभी इतना सर 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 हो गया तो कोई लड़की आती है एयरपोर्ट में तो दूर से देख लेते हैं ओह अब वो जैसे ही उनके पास आती है धर्मेश सर हाँ अब आशीर्वाद देना पड़ता है जबरदस्ती तो वैसा भी हो गया है जो मजा जो बच्चा बन के रहने में येड़ा रह के पेड़ा खाने में है ना वो नहीं है सर हटा दो आप बोल दो मैंने ऑपरेशन करवा दिया मेरा सर हट गया पुनीत की एक और बात बताऊं पुनीत बहुत अच्छे सर्जन भी हैं देख लो ऑपरेशन थिएटर वाले कपड़े पहन के I love you. इसने अच्छा पहना था बोले ये बहुत अच्छा चार लोगों को पूछा बाहर कैसा लग रहा है सब लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है सबको अच्छा पूछा मैंने सबने बोला बहुत अच्छा बोला इधर आके ये हो गया ब्रो इतने सारे लोग ब्रो पहले पता ना इतना लोग आ रहा है मैं दो आंक और भाड़े पे लेके आते थे All right, okay. Hello. मैं बोल रहा हूँ बोल दे अपने हिसाब से एक एक ले लो एक एक नाइन मैनेज हो पाएंगे हाथ में क्या तुम्हारे मेरा हाथ में मेरा भविष्य है ब्रो ये ये क्या है तुम ब्रो बोलो ना ये आज का बात कर रहे हैं ये मेरा हाथ में पंछी है नहीं पंछी वो ऐसा उड़ते वो पंछी पर्ची है ये पर्ची मैं क्या करे ब्रो इतना सारा लोग आए हैं तो मैं सबका नाम लिख के लाए कि एक एक करके ऐसा निकालेंगे जिसका नाम आएगा उससे बात करेगा नहीं तो क्या होती है मैं किसी से पहला बात करने चालू कर दिए फिर दूसरे को वो लग सकते हैं यार वो ये मेरा अब बाल का कलर क्या है भूरा उनको भूरा लग सकती है ब्रो तुम पहला पर्ची निकालो मैं तुमको देंगे जिसकी पर्ची निकलेगी उससे बात करोगे अरे निकालो तो पहला पर्ची बताओ भाई ये तो खाली है हाँ तो ये आपका पर्ची आपसे बात ही नहीं करने मिला थैंक यू अभी मैं पर्ची निकालेंगे ओके लेट्स सी श्रद्धा कपूर के नाम आए हैं मित्रगण हाँ तो पहले लड़की से बात करेगा तो मैं क्या लड़की के पिता से बात करूं और अगर वो मान गई तो हमको इस विवाह का पवित्र बंधन में बंधने पड़ेंगे इधर मेरे पापा पता है ना कौन है नहीं बट ही लाइक्स मी ही स्वीट ये तो इतवा का बात देखो अगर हमको विवाह करने भी आए तो इधर पुजारी भी मौजूद है सुशांत पुजारी हमको इधर वो क्या वो सर्कुलर मोशन भी करा देंगे क्या बोलते हैं उसको पेरे भी करा देंगे और अगर नोरा आप भी हमारा शादी पे आ जाए तो हमारा साकी भी उधर हो जाएगी मैं एक्चुअली अपना घर पे कल ये कर रहे थे मैं 12 मच्छर मारे पिछली बार भी तूने ये स्टेप किया था गर्दन गिर गई थी तेरे को शर्म नहीं आती नोरा के साथ फ्लर्ट करते हुए वो कितनी प्यारी देखो कितनी प्यारी है श्रद्धा और तुम देखो मल्टी कलर भालू तू खबरदार फ्लर्ट किया तो तो बालू कौन सा बुरा बात है ब्रो तुमको पता नहीं है आजकल लड़के लोग को उतना हक नहीं करता है जितना क्यूट बालू को करता है टेडी बेयर को करते कि नहीं करते यस यस और मैं श्रद्धा जी के आंख में देख सकते हैं वो अब मन ही मन मुझे हक कर चुके हैं लेकिन भाई बोलना चाहेंगे नोरा जी आप बहुत खुशबूरत है बहुत लेकिन मैं आपसे नाराज है क्यों तू क्यों नाराज है इनसे तेरा तो बनता ही नहीं मैं नहीं मई का महीना जो होते हैं अप्रैल मई जून मई का महीना आपसे बहुत नाराज है बोल रहे हैं कि हमेशा गर्मी मई में आता है लेकिन ये लड़की को देखो गर्मी जनवरी में लेके आ गए बहुत सोच है That was a good one. बहुत गहरी सोच है आपने इनका गाना देखा है गर्मी मैं देखे है स्टेप देखा है वही स्टेप आपको करना चाहिए अगर आप एक्चुअली उनका फैन है
वो आपको करना पड़ेगा। आप मेरे को सिखाएंगे ऐसा कोई चीज नहीं मैं जीवन में नहीं कर सकते। हाँ तो वो तो वो स्टेप अभी पुनीत आपको सिखाएंगे। मैं रहा एक सर्जन, मैं नहीं दिखा तो फिर राघव सिखाएगा। राघव बहुत अच्छा करता है, सब करेंगे सब करेंगे। दिखाइए स्वादिका। मैं देखेंगे, बताओ मेरे अंदर घबराहट का अंश भी नहीं है। आपको चाहिए तो मैं आपको पहले रैप, नहीं नहीं आप जाइए मत प्लीज। नहीं नहीं मैं तो थोड़ा सामान रख रहा हूँ, शॉल वॉल कंबल सब। तो जमीन पे लेट के करना पड़ता है ये स्टेप। नहीं वो म्यूजिक आप इनको फॉलो करिए। आप आइए, जमीन वजन लेगा मैं कर देंगे। नहीं लेगा, पहले लेटना पड़ता है ऐसे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो ऐसे लेटना पड़ेगा। आप इधर हो ही नहीं सकता, आप लेटिए। देखने भी नहीं पाएंगे। अच्छा देखिए, तो एक बार दिखा दो मैं पूरा साथ में कर देंगे। अच्छा ये जो है ना, अरे एक बार काउंटिंग देना। 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते मलाड वेस्ट। तो हर एक बीट पे एक बार उठता था तेरा जंतर मंतर, चार बार में एक बार उठता था। सब सब खैरियत तो है ना। पूछ लो यार, लाइफ इज नॉट इजी ब्रो, बहुत कठिन है। कार्डियोवैस्कुलर मत किया करो, कॉपी करने में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। श्रद्धा जी, yes, मैं आपका भूत बड़ा फैन है। भूत बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा ना, स्त्री में वो भूत है तो मैं भूत बड़ा फैन ही है। अच्छा एक बात बोल रही है तुझे, चल जा यार। मुझे इनसे बात करनी है। काइको सही है साइको। मेरे को ये गाना बहुत ज्यादा पसंद है। Varun J, you're so cool, man. What up, buddy? I really like you, yeah? I like you. I like your swag. Thanks, bro. ये पैंट आपने रणवीर सिंह के वार्डरोब से चुराई है? नहीं, इधर पीछे क्रोमा का कपड़ा थी, मैं फाड़ के। लेकिन ब्रो, आपके घर में डेविड जी है जो धवन है, आप ऑब्वियसली है जो धवन है, रोहित जी है वो भी धवन है, तो आपका घर में कभी ऐसा खाना गर्म करने तो अवन में डालते कि धवन में ही डालते? हमको भी बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के। हमारा भी ह्यूमर ऐसा ही पीजे में निकलता है। ब्रो लेकिन मैं सच्ची बोलेंगे, मैं आपका वो फिल्म देखे सुई धागा, वो ब्रो सुई धागा देख के मेरा बटन निकल गए। मजाक नहीं कर रहे, सच्ची में निकल गए। ये देखो ना, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप इसको वो कर सकते हैं, वो यार वो मसाला पीसते तो बट्टे के साथ क्या होता है, सिल, सिल, आप इसको सिल सकते हैं वापस? सिल सकता हूँ, बट आई थिंक कि आप पे खुला हुआ बेटर लगता है क्योंकि ब्रीदिंग स्पेस मिलता है आपको। ये बटन अवॉइड ही करने चाहिए बेटर। ब्रो राघव, आप इधर क्यों बैठे, आओ ना मेरे साथ, मैं आपको बाथरूम घुमा के लाते हैं। बाथरूम क्यों? ये कॉकरोच लोग को नॉर्मली अच्छे लगते ना बाथरूम में। राघव फिल्म में है, उनसे फिल्म से रिलेटेड कोई बात कर। ब्रो आप फिल्म में है, ब्रो आप फिल्म में है तो फिल्म में इधर क्या आप एक्टिंग कर रहे हैं कि उधर भी एंकरिंग ही चल रहे हैं? नहीं ब्रो, लेकिन मैं आपका शो देखे, मैं देखे उधर आप काफी ऐसा जोक वो क्रैक करती है। मैं आपको बताया, इधर मेरा भाई रहते है बच्चा यादव, वो भी ऐसा काफी जोक सुनाते है। तो आज एक काम करते है कि आप मेरे को एक जोक सुनाओ, मेरे को मैं देखेंगे कि आपका जोक बेटर है कि मेरे भाई का जोक बेटर है, और अगर आपका जोक बेटर हुआ तो उसको हम लोग एपिसोड से काट देंगे। क्यों काट देंगे? क्योंकि हमारा शो है ब्रो। इधर मेरा भाई का जोक ही बेटर होएगे। पुनीत जी, धर्मेश, yes, पुनीत, yes, ए ब्रो, ए ब्रो, आप लोग तो बहुत अच्छा दोस्त है ना? Yes. हमेशा ऐसा साथ में रहते हैं। Yes. आप दोनों का शादी में नहीं हुए हैं? नहीं, तो एक दूसरे से शादी कर लो ना। नहीं नहीं, खर्चा बचेगा, खर्चा बचेगा। लड़की, दोनों लड़के हैं, कैसे शादी कर सकते हैं? तो उसमें क्या है, वो कृष्णा और कश्मीरा भी तो किए शादी। हाँ तो एक लड़का है एक लड़की है ना।
बहुत गलत लड़का लड़की कुछ नहीं होते ब्रो, ये सब मन का भ्रम है. ऐसा कुछ नहीं, वो लड़का देखो इधर आके लड़की बनते ना, क्या फर्क है. अच्छा अभी तू जा उनको अपनी फिल्म का प्रमोशन करने दे तू. तो करो ब्रो, लेकिन मैं प्रमोट कीजिए आप, लेकिन मैं खाली एक बात जानना चाह रहे हैं. आप समझो कपू शर्मा ये बात को, हाँ. ये अपना जो शो करते हैं सर लोग, ये अपना शो में ऐसा सामने बैठते हैं, बैठ के अच्छा शो बनाए और उसके बाद साथ में फिल्म भी बना दिए. हाँ. हमारे इधर सामने जो बैठते हैं वो खाली इंस्टाग्राम का वीडियो बनाते हैं. हमारा फिल्म कभी बनेगा ब्रो? हमको भी फिल्म चाहिए. वो 6-8 एपिसोड साथ में किए, फिल्म बना दिया, हम 100 कर दिए ब्रो. अभी तो फिल्म दो. सही बात. ए ब्रो, मैं फोन आए, मैं बहुत बिजी आदमी है. ओ यू नो दिस गाय एश्टन कुचर. एश्टन कुचर, उसका फोन है मेरे को, मैं तेरा फोन रिसीव करेगा इफ यू डोंट माइंड. या हाँ एश्टन कुचर बोलो. कुचर नहीं नहीं नहीं, इतना फास्ट मत बोलो, थोड़ा एश्टन एश्टन बोलो. क्या तुम ना मेरा गर्लफ्रेंड को पता लिए? तुम तो एश्टन का सांप निकले ब्रो. एश्टन कुचर तुम उधर ही रुको, मैं आके अभी तुमको कुचर देगा. मैं आ रहा है. अच्छा मैं फोन काटता है अभी. Sir, अभी मेरे को जाने होंगे. वो क्या है वो एश्टन कुचर मेरा गर्लफ्रेंड को, मेरा गर्लफ्रेंड थोड़ा ऐसा है वो पट भी जाती है, तो मैं जाके थोड़ा हैंडल करने पड़ेंगे. ऑलराइट, नाइस मीटिंग यू ब्रो, आई लव यू. ऑलराइट, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट ब्रो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट ब्रो. अर्चना जी आप मुझे बोलते हो ना कि शो में हीरोइन आती है तो मैं फ्लर्ट करता हूँ, ये बंदे को ध्यान से देखो जो कंबल लेके बैठा हुआ ना. क्यों? इसको बुखार ही इसलिए चढ़ा, बहुत गर्म है अंदर से ये. शो में एंकरिंग कर करके शो में 8-10 लड़कियों से शादी कर चुका राघव. रियली? आपको राघव इतनी मतलब तलब लगी है शादी की तो करी क्यों नहीं लेते? नहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धर्मेश भाई और जिनकी उम्र होगी उनको करवाऊँ, इन लोगों की, पुनीत भाई की. मैं तो अभी धर्मेश, हमने सुना आपको नोरा बहुत अच्छी लगती है. मतलब नहीं लगती? नहीं अच्छी लगती है वो, मतलब वैसे वाले नहीं, वैसे वाला क्या होता है वो? मतलब आपको भी प्रपोज करेंगे तो आप मना कर देंगे? मतलब दिल थोड़ी तोड़ना चाहिए. हाँ बोल देंगे, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा. क्यों अपने आप पे भरोसा नहीं आपको? अरे होगा. क्यों नहीं होगा? ऐसा हजम ही नहीं हो सकता ना दोनों साथ में. देखो नो एक्चुअली हो सकता है क्योंकि धर्मेश का स्वाग बहुत बढ़िया है. उसका स्वाग बहुत अच्छा है, मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है. अरे नोरा सुपर लाइक. अच्छा पुनीत के बारे में मैं बताना चाहूंगा. पुनीत ABCD आप सबने देखी, बड़ी कमाल की फिल्म थी. उसमें शराब पी के इधर उधर पड़े रहते हैं. इनका करेक्टर ऐसा था. ABCD 2 जब आई उसमें इनको सुनाई नहीं देता, बोल भी नहीं पाते. अभी स्ट्रीट डांसर में इनका पैर टूटा हुआ है. तो ये आपने रेमो सर को गुरुदक्षिणा में कम दे दी थी जो आपको ऐसे रोल देते हैं. मैंने सर को पूछा था कि इस वाले वर्जन में सर कुछ टूटा फूटा तो नहीं रहेगा ना? फिर सर ऐसे स्माइल करके लुक देते. ऑफकोर्स टूटा फूटा रहेगा. ऑन अ सीरियस नोट मैं एक्चुअली सर को थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो रोल नहीं होते तो शायद चंदू इतना फेमस नहीं होता, शायद मेरा वो सिग्नेचर स्टेप नहीं होता और शायद मैं आज यहाँ पे बैठा नहीं होता. तो थैंक यू सर. सलमान के बारे में हमने सुना है कि जब इन्होंने लाइफ में पहली बार परफॉर्मेंस दिया था, डांस परफॉर्मेंस, बहुत छोटी उम्र होगी शायद 3rd या 4th स्टैंडर्ड में, आपकी कहते पहली परफॉर्मेंस में डेब्यू में धोती खुल गई थी आपकी. हाँ क्या? ऑफ कोर्स, ये कैसे पता आपको?
अरे आपने किसी इंटरव्यू में बोला था तो हमारी टीम है वेरी ह्यूज टीम ऑफ वन पर्सन. उन्होंने बताया हमें. तो ये मेरे सर ये एक ट्रू इंसिडेंट है. उस टाइम पे हमारे चीफ गेस्ट थे मनमोहन जी. तो वो आए थे ये मनमोहन सिंह जी. जी मनमोहन सिंह जी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर. यस. अच्छा वाओ. एट दैट टाइम आई थिंक वाज द डिफेंस मिनिस्टर दैट टाइम. फाइनेंस मिनिस्टर. ही हैड कम देयर एंड आई रिमेंबर ये थर्ड स्टैंडर्ड की बात है और मुझे सेंटर दिया गया था पोजीशन और 15 लोग थे जो डांस कर रहे थे और परफॉर्मेंस ब्रिलियंट गई थी सर. बहुत बेहतरीन. मैं कार्टव्हील कर रहा था, चक्री कर रहा था सब. और ये कर्टन क्लोज हो रहा था और सब खड़े रह के स्टैंडिंग ओवेशन क्लैप कर रहे थे. कर्टन इतने क्लोज आया ही लड़की ने मेरे धोती पे पैर रख दिया सर. मैं चक्री कर रहा था तो हाथ भी नहीं छोड़ सकता था सर. तो धोती निकली और कच्चा पहना था. आई वाज इन थर्ड ग्रेड. ठीक है यार. ठीक है. और मेरे पास वीडियो पे आज तक वो है कि मैं संभाल रहा हूँ और गोल घूम ही रहा हूँ. नहीं सोचो फाइनेंस मिनिस्टर सामने और सारा खजाना दिख गया. अरे सुशांत थोड़ा शाय लग रहा है. अरे बिल्कुल नहीं. या मुझे नाम की वजह से लग रहा है आगे पुजारी लग रहा है. नहीं नहीं. आप श्रद्धा और नोरा आपके साथ काम कर रही है. आपके नाम के आगे पुजारी लगता है. घंटी बजती थी आपकी भैया. इतनी प्यारी खूबसूरत लड़कियां आपके साथ काम कर रही हैं. नहीं सर मेरा शादी हो गया ना तो थोड़ा घंटी बजना बंद हो गया. शादी के बाद शरीफ हो गए बहुत ज्यादा आप. इसलिए नेल पॉलिश भी लगानी शुरू कर दी. मैं आपको पता है मैं इसको कैसे जानता हूँ सर. कैसे? तो मेरी जो पहली फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर उसमें गाना था डिस्को दीवाने जो रेमो सर कोरियोग्राफ कर रहे थे. एंड उसमें मुझे सिखाने के लिए कौन आया था? सुशांत. अच्छा. और पर ऐसा क्यों रेमो सर आपको नहीं आता था? कपू शर्मा मेहमानों के साथ हमारा इंट्रोडक्शन तो करवाओ. बिल्कुल. ये सब वो हैं जिनकी फिल्म आ रही है और ये वो हैं जिनको अकल भी नहीं आ रही. एक मिनट. ये तुम लोगों ने जो डांस करके एंट्री ली जिस भी देवी देवता को मानते हो उसको हाजिर नाजिर जान के बोलना. तुम लोग इनसे अच्छा नाचते हो. तू नाच रहा था ना तेरा पेट यूं देख रहा था बाहर ये और दो दो बेल्ट लगा के आई. देखो ये अंग्रेजों का सिगार लग रही तू. क्या क्या बन के घूम रहे हो तुम लोग? क्या बन के घूम रहे हो? What do you mean by क्या बन के घूम रहे हो? Hi everyone. Hi. Hi. My service चंदू as वरुण धवन. अरे. Oh wow. अच्छे वरुण बन के. Wow. Hey, ये क्या? सनी देओल. सनी. तम्मा तम्मा लोगे. मोटा मोटा ऐसे ही है सर. तेरी हिम्मत कैसे हुई? मतलब किस हिसाब से सोचा तूने? तू कहां से वरुण धवन लगता है? दिमाग है एक जगह बाद में बताऊंगा. और ये क्या बनी हुई है? Hi, I'm Bhoori. Myself as Nora. हाय गर्मी. तुम नोरा फतेह हो. अरे मैं निकलता हूँ आप शटर बंद करके आ जाना. किस हिसाब से? मतलब नोरा ने यही गाने पे डांस किया ना हाय गर्मी तो लग रहा था क्या क्या डांस किया. तूने किया लग रहा तेरे को खुजली हो रही कि रबिश. Just That's disgusting. That's very mean. You disgusting. I just want to say I hate you both. Whoa, whoa, whoa. What kind of dance do you just perform? Niklo yahan se. Aise kaise niklo? Chandu ne bagawat kar di. Kaisi baatein kar rahe Kapil Sharma? Shraddha, you know, Pandit mujhe kehte the ki tumhari kundli mein na Kapoor yoga hai. Main manta nahi tha. Lekin ab mujhe yakeen hone laga hai. एक तो तूने ट्रांसपेरेंट बनियान पहन के आया था. चंदू लेकिन एक बात कहना चाहूंगा यार. थैंक यू. जा यार. चल ठीक है मैं तो चला जाऊंगा. व्हाट अबाउट माय फ्रेंड्स? फ्रेंड्स राघव पुनीत धर्मेश
हम सारे स्ट्रगल के दिनों में एक ही फ्लैट में रहते थे। पर तू तो सेटल होने के बाद में भी फ्लैट में भी नहीं रहा तू। स्ट्रगल के दिनों में तेरे पास फ्लैट कहाँ से आ गया? अरे लेकिन इसका पता नहीं कपू, मैं सच बता रही हूँ। अब धर्मेश इतने बड़े स्टार खुद बन गए, लेकिन इन्हें तो मैंने जमीन से उठाया है। अरे हाँ, कहती कहती उठो साहब, मैंने नीचे पूछा भी लगा। अच्छा वैसे इसका सही है, तीन चार लाइनों की बेइज्जती है, एक ही लाइन में करवा लेती है। कितनी बार बोला है मत बोला कर। रेमो सर yes. आपको पता है डांस का तो हमारे अंदर ऐसा कीड़ा, हमारा अपना एक ग्रुप है। हाँ, ग्रुप का नाम है काले कच्चे वाला गिरोह। अच्छा इनको इसलिए पता है क्योंकि उसके लीडर यही हैं। हमारे कच्चे यही काले करके देते हैं, जाओ पहनो। पर चलो बात खुली गई में बता दो, इसके पास तो वो भी नहीं था, मैंने तो बॉडी पेंट किया हुआ था। और मैं तुम दोनों को एक बात बताऊं, तो फालतू बातें नहीं करनी, दोनों एक दूसरे का मुंह देखो और अपना मूड खराब करो और निकलो चलो। मैं ना अच्छा खासा ठीक ही आ रही थी, तुम्हारी वजह से 10 बातें सुननी पड़ती मुझे कप्पू से। ओ, अकेली तुम इधर बहन हो, तुम्हें किसी ने बताया नहीं? सिर्फ मेरे साथ बैठे थे तुम इधर। अच्छा हाँ। अपनी शक्ल देखी है तुमने, वहां देखो वरुण धवन, यहाँ देखो ही मत। और उधर देखो नोरा, इधर देखो इसको देखकर कुछ भी नहीं हो रहा। वो तो दिख ही रहा है सबको। और ज्यादा उछलो नहीं, दिखने में स्वीट इनोसेंट और स्वामी टाइप का हूं, लेकिन अंदर से बहुत बड़े तूफानी टाइप का हूं। पहले ना मैं तेरे को तोड़ूंगी, फिर फोड़ूंगी। अच्छा। फिर तोड़ फोड़ के जोड़ूंगी और फिर तोड़ूंगी। ये कोई बात समझ में आए? मैं सोनी को फोन लगाता हूँ। सोनी चैनल को, पहले तो वो तुम्हें तोड़ेंगे फोड़ेंगे, फिर तुझे कलकत्ता और तुझे अमृतसर छोड़ेंगे। चलो चलो बहुत हो गया। I will see you all in the next promotion. चलो तुम पुलिस स्टेशन। मेरी बात सुनो। चुप रहो। मेरी बात सुनो। हमारे स्टेशन पर तक नहीं। और सुशांत के तो चेहरे पे इतनी चमक थी जैसे 10 मिनट बाद ही स्वागत है। ये किसको चाहिए? ये अंकल आप क्यों हाथ ऊपर कर रहे हो? सच बोलो, बोली लगी। 500 से शुरू करेंगे। ये बहुत स्वीट है, इसने पिंक बड़े ओके। He loves pink. You love pink? Okay, चलो। So sweet. Guys, say, love you guys. सपना, आज तू अकेले डांस क्यों कर रही थी आज? तो डांस के बाप लोग तो इधर बैठे ना, किसके साथ नाचेगी? ये लोग हैं ना 100 एपिसोड के लिए, लेकिन इनके साथ नाच लेगी ना, दिल से बोलते लाइफ बन जाएगी। आप लोगों की, चलो चलो, आप लोगों की लाइफ बन जाएगी, आप लोगों की बोली आएगी। हाँ हम लोग बहुत बड़ा शो है, नानी बोलते फेमस हो गया। मैं सच्ची बोलते इतने एपिसोड हो गए, 100 से ऊपर, इतना अच्छा माहौल कभी भी नहीं बने, बहुत अच्छा मजा आया। सच्ची ये लो, ऐसा लग ही नहीं रहा है वरुण के कपिल शर्मा शो चल रहा है। उससे बेटर लग रहा है? नहीं, ऐसा लगता है वरुण धवन का संगीत पार्टी है। अच्छा इसी बात में मुंह खोलो, एक खा लो, कैमरा में दिखना चाहिए। और गया नहीं तो जाएगा? जाएगा जाएगा, क्यों नहीं, पक्का कहीं ना कहीं तो जाएगा। नजदीक से। अच्छा गंदा वाला लाइट चलेगा? चलेगा आपका? चलेगा नहीं? चलेगा चलेगा, सिंपल है ना, जल्दी कर लेंगे। कैसे? सुपर। नया रियलिटी शो चालू कर रहे क्या? इतने कंटेस्टेंट लोग को लेकर आए थे। अरे नहीं, आप लोग का तो शो आते ही नहीं टीवी पे, मैं देखी है, बहुत मस्त। आप लोग जज है ना उसमें? जी। मैं सच्ची बोलती, आप लोग जेन्युइन जज ही। हाँ। वरना मैंने ऐसे भी जज देखे मार्केट में जो दूसरों के शो पे
दूसरों की कुर्सी पे बैठ के बेफजूल का जजमेंट दे रहे श्रद्धा आपको मालूम है आप में और अर्चना जी में एक चीज बहुत कॉमन है क्या आपने अमित जी के साथ तीन पत्ती से बॉलीवुड में एंट्री की इन्होंने सिद्धू जी के साथ छांड पत्ती करके हमारे शो में एंट्री की वेरी नाइस वेरी गुड एंजॉय करो हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना क्या मजे मजे एक और बंगला बनाओ मडेलैंड में बहुत अच्छा मजा आया श्रद्धा श्रद्धा मैं अच्छा है अच्छा मेरे को आपको पूछने का था श्रद्धा ये जीरो पिक्चर जो आया था शाहरुख खान का वो आपने क्यों नहीं किया पिक्चर मतलब इनको करना चाहिए था ना क्यों यही छोड़नी चाहिए थी क्यों देखो इन्होंने तीन पत्ती की उसके बाद आशी की टू की फिर एक विलन की फिर हाफ गर्लफ्रेंड की तो जीरो तो इनका ही बनता है क्या बात है कैलकुलेशन देखो ऐसा नहीं आके कुछ भी बोलते इधर हा 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 ऐसा नहीं है क्या बात वाह सपना क्या फालतू की बात की तूने काम की बात करूं क्या मैं काम की बात कर रहा आप भी लगाती है हेलो हाँ पड़ोसी चैनल तुम्हारा जज हमारे कब्जे में तुम्हारे कंटेस्टेंट लोग भी हमारे कब्जे में हाँ 1 करोड़ रुपए चाहिए प्लस फ्लैट चाहिए प्लस कार चाहिए वरना इन लोग के साथ माइनस शो बना डालेगी मैं इधर प्लस प्लस का माइनस हो जाएगा मेरा जो छावा है ना मुकेश वो आपका इतना बड़ा फैन है जुड़वा 2 देखी ना वो बोलता है मैं भी जुड़वा करूंगा अच्छा उसे एक्टिंग आती है नहीं उसको रोमांस आता है तब ना क्या कभी कभी तू इतनी फालतू की बात करती ना हाँ तो मैं तेरी बहन हूँ डोनाल्ड ट्रंप की बहन थोड़ी इधर बैठ के अच्छी अच्छी बातें करूंगी अच्छे अच्छे गेस्ट आए कुछ ले ही आती तू हाँ लेकर आई ना मैं इनके लिए एक मिनट किधर है रे गिफ्ट लाइए हाँ रेमो सर के लिए लाइए रात बहुत हो गया ना एक मिनट सोडा क्यों लेके आइए देख वो अपने साथ पुनीत लेकर आए मैं सोडा लेकर आई मैं तो कहती तू भी चखना लेकर आ अर्चना जी की शाम रंगीन हो जाएगी अरे ये चश्मा वाला बाबा अरे वही है ना ये वो मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए नहीं 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 अरे कौन क्या नहीं क्या कौन कौन अरे वो हिमेश है ये धर्मेश है तो हिमेश है धर्मेश सब पैसे के लिए काम कर रहे इधर हाँ तू धर्मेश को भी पैसा देगा ना ये हिमेश बन जाएगा हाँ लेकिन हिमेश को पैसा देगा ना वो धर्मेश कभी नहीं बन सकता क्योंकि क्या है ऐसा डांस करना आसान काम नहीं रेमो सर मेरे को ना आपसे बहुत एक नाराजगी है क्यों हम लोग ना एक ही बिल्डिंग में रहते अच्छा हाँ मैं रोज सुबह जिम में जाती है आपको क्या लगता है वर्कआउट करने आपको हाय हेलो करने के लिए आती है मैं उधर मैं रोहित शेट्टी की बिल्डिंग में 5 महीने कर रही बोल बच्चन दी उसने मेरे को 5 साल से एक ही बिल्डिंग में रह रहे हम लोग काकरोच को काम दिया इन्होंने मेरे को नहीं दिया She's too good, yeah. और तू क्या हंस रहे है इधर पिक्चर हिट है तू जाएगा माय गॉड बहुत गर्मी लग रही थी कप्पू वो है क्या क्या पानी नहीं नूरा फतेह अरे अरे इधर ही हाय वेरी नाइस यू वेरी नाइस यू
डांस वेरी नाइस वेरी हॉट. आपको मालूम है इतना हॉट डांस करते आप. नॉर्थ इंडिया में ना जब सर्दी हो गई ना लोग हीटर की जगह आपका 4 मिनट का गाना लगा के देखते. सच्ची में. लेकिन ये ना मेरे दादाजी पे उल्टा पड़ गया. उनको हमने 4 मिनट का गाना लगाया ना 3 मिनट में वो ठंडे पड़ गए. खैर कैसे आप? ये क्या कर रही है? मम्मी ने कहा था पुजारी लोग से आशीर्वाद लेने. खैर आप लोग सब ना मेरे को नाला सोपारा में लगेंगे. हाँ क्या? क्यों क्यों लगेंगे आप? उधर ना महोत्सव कर रही है मैं. कौन सा महोत्सव? एक महोत्सव है तो धर्मेश प्लीज आना. हाँ धर्मेश आएगा अपने मुंह से आग निकालेगा. सुशांत आएगा ये मुंह से झाग निकालेगा. फिर पुनीत भी आएगा इसको मौत के कुएं में साइकिल चलवाएंगे. सलमान को देख के नाला सुपर की कटरीना भी खुश हो जाएगी. तो आना. लेकिन ये सब फ्री में काम नहीं है. मैं मसाज भी करती है. मेरा मसाज पार्लर है. अच्छा. आई हैव मसाज पार्लर सपना ब्यूटी. तो अलग अलग टाइप का मसाज रहता है हम लोग के पास. तो आपके लिए मसाज है स्पेशल. रेमो सर आपके लिए मसाज है रेस मसाज. इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम तीन कस्टमर को बाइक पे बिठा के उनके बॉडी पे तेल लगाते. बाइक बाइक पे बिठा. हाँ फिर हम लोग बाइक का रेस करवाते. जो फर्स्ट आता है उसका मसाज करते हैं. बाकी दोनों को तेल लगा के छोड़ देते. ये कैसी मसाज हुई? माय मसाज इज माय मसाज नन ऑफ योर मसाज. फिर आप लोग सब इतना मस्त डांस करते हैं तो मेरे पास हिप हॉप मसाज है. इसमें क्या होता है? इसमें हम कस्टमर को लेटाते हैं. हाँ. लेकिन तेल हंटर पे लगाते. हंटर पे तेल लगा के उसके हिप पे हॉप हॉप करते रहते. फिर बस बस. फिर हमारे पास एक मसाज है सांबा करते ना. सांबा मसाज है डांस फॉर्म रहते. उसमें क्या होता है? इसमें कस्टमर को हम तेल लगाते और काली पहाड़ी पे बिठा देते. और वो तपती गर्मी में ऐसा बैठे रहते उधर. ऐसा बैठे रहते. फिर ऐसा बैठ बैठ के उसकी खुद की पहाड़ी में दर्द चालू हो जाता. फिर उसको हम खाड़ी में ले जाके उसके पहाड़ी के मसाज करते हैं. कुछ ज्यादा नहीं. हम लोग गरीब लोग हैं. हम लोग कैसे रहते हैं? मैं चलती है. वो आप लोग के कोरियोग्राफर है ना वो गणेश आचार्य. उनका आचार्य देने जाना है मेरे को. वो पता नहीं जब भी मसाज कराने आते हैं हम प्रेशर देते हो आचार छोड़ के जाते हैं इधर. एक बार की डांसर की पूरी टीम लग गया. जोरदार तालियां. Guys, thank you so much for coming. Thank you. इतना मजा आया actually. मैं बता दूं एक बात. जी सर. मेरे ख्याल से मैं पिछले 5 साल में इतना हंसा नहीं हूं जितना अभी 2 घंटे में हंस दिया. मेरे तो तबीयत बहुत मजा आया सर. बहुत बहुत मजा. थैंक यू सो मच. Fantastic यार guys यार. Fantastic. आपको ढेर सारी शुभकामनाएं रेमो सर. आप सब टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं. आप सब लोग जाइए स्ट्रीट डांसर देखने. आपको मजा आने वाला है. सो वंस अगेन सर वी लव यू ऑल. और आप सब यूं ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो. गुड नाइट. शब खैर. थैंक यू सो मच. फॉर
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.